नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे BBK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने कोलकाता में पत्रकारों की एक टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमी पर बातचीत करते हुए मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की और उनका कैमरा तोड़ डाला। बता दें कि मोहम्मद शमी के बारे में बातचीत करने के लिए पत्रकारों की एक टीम उनकी पत्नी से मिलने कोलकाता के सेंट स्टीफन स्कूल पहुंच थी। इसी बीच वह एक सवाल पर भड़क गई और मीडिया कर्मियों का कैमरा तोड़ डाला। इसके बाद वह अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गई। बता दें कि हसीन जहां ने अपने पति मोहम्मद शमी पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने शमी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए पिछले मंगलवार को अपने फेसबुक स्टेटस पर शमी की व्हाट्सएप चैटिंग के कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। इस दौरान हसीन ने शमी के साथ संबंध बनाने वाली कई लड़कियों के नाम और फोन नंबर भी फेसबुक पर शेयर किए थे। इतना ही नहीं, हसीन ने अपने पति पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगाया था। हालांकि इन आरोपों के बाद टीम इंडिया के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शमी के बचाव में आगे भी आए थे।